आप अपनी पत्नी को गिफ्ट में क्या दे सकते हैं करवा चौथ के गिफ्ट में? कुछ गहने, फूल या फिर कुछ विशेष चीज? लेकिन भागलपुर के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को करवा चौथ में ऐसा गिफ्ट दिया कि वो चर्चा का विषय बन गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। दरअसल बिहार के भागलपुर के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को करवा चौथ के रूप में भेंट दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करवा दी। ये शादी होने के बाद पूरे इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है। आपको बता दें कि उसकी शादी, ये व्यक्ति का नाम श्रवण है, जिसकी शादी 2012 में हुई थी उनकी पत्नी पूजा से। शादी होने के बाद सब कुछ सही चल रहा था, इवन तो दोनों के 4 बच्चे भी हुए। 4 बच्चे होने के बाद परिवार काफी खुशहाल और सुख शांति से चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पूजा की मुलाकात छोटू से हुई, जो उससे 2 साल उम्र में छोटा था। दोनों के बीच बातें होने लगी और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलना शुरू हो गया, जिसके बाद पूजा ये जानती थी बात कि उसकी शादी उस व्यक्ति छोटू से नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक शादीशुदा औरत थी, उसके 4 बच्चे थे। लेकिन प्यार का भूत ऐसा सवार हो गया था कि वो महिला वहां नहीं रुकी और अपना प्रेम प्रसंग जारी रखा। आपको बता दें कि दोनों छुप-छुप कर मिला करते थे, लेकिन गांव वालों ने इन्हें नोटिस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद गांव वालों ने इसकी खबर श्रवण के परिजन को दी। घर वालों को पता चला तो घर वालों ने इसकी जानकारी श्रवण को दी, और उसके बाद श्रवण ने अपनी पत्नी पूजा से इसके बारे में बात की। बात करने के बाद पता पूजा ने अपने पति को बताया कि वो छोटू से बेहद प्यार करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, उसी के साथ रहना चाहती है। श्रवण ने सोच लिया कि वो अपनी पत्नी की दूसरी शादी करवा कर रहेगा, वो भी उसके प्रेमी के साथ। इसलिए उसने पहले अपने परिजनों को समझाया और फिर ग्राम कचहरी में बकायदा पूरे तरीके से, पूरी प्रक्रिया, कानूनी प्रक्रिया के साथ उसने अपनी पत्नी की शादी करवाई। वहीं आपको बता दें, जो उनके 4 बच्चे हैं वो श्रवण के साथ ही रहेंगे, वो पूजा के साथ नहीं जाएंगे। तो आपको क्या लगता है इस खबर से कि क्या श्रवण ने सही किया? जहां एक तरफ श्रवण है जो अपने 4 बच्चों को भी अपने साथ रख रहा है, साथ ही उसने अपनी पत्नी को करवा चौथ में एक ऐसा गिफ्ट दिया, वहीं उसकी पत्नी जो कि शादीशुदा होने के बाद भी, 4 बच्चों की माँ होने के बाद भी अपने प्रेमी से शादी कर ली और 4 बच्चों को पलक कर देखा तक नहीं और विदा हो गई। हमें कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि कौन सही है, कौन गलत है। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए मघी आवाज के साथ।